सो हेलो जी, मेरा नाम है रितेश एंड आप लोग देख रहे हो कैप्टन OD07। देखो शर्म आ रही है क्योंकि बाहर खड़ा हुआ एंड लोग देख रहे हैं। एंड बात कुछ ऐसी है कि आज का जो ये वीडियो है ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मेरे इंस्पिरेशन UK07 राइडर एंड कैप्टन इंडिया। सो देखो UK07 राइडर जो है उनको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उनके कुछ 50K 60K तक सब्सक्राइबर्स थे। बट मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, कैप्टन इंडिया को भी तब से स्टार्ट किया वॉच करना जब उनके भी 50-60K सब्सक्राइबर्स थे। एंड हुआ कुछ ऐसा कि मैं क्लास एट में एंड मुझे लोगों ने कहा कि भाई तू यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डालता। अब मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे लोग वीडियो डाल सकते हैं। एंड मैंने सोचा कि यार वीडियोज़ अगर डाल सकते हैं तो कैसे डालते हैं। तो तब तक मैं, जब तक मेरे को ये चीज़ पता चला कि वीडियोज़ डाल सकते हैं, तब तक मुझे इतना लगता था कि खाली YouTube पे गाने सुनते हैं एंड गाने के आर्टिस्ट लोग के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं भी एक वीडियो क्रिएटर हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ही सब्सक्राइब करना। एंड बात कुछ ऐसी है कि जब मैं 8th क्लास में मैंने सोचा कि वीडियोज़ डालूँगा, तब मुझे इतना नहीं पता था कैसे। तो मैंने एक फ़ोन पे रिकॉर्ड करके एक छोटा सा वीडियो डाला था इंग्लिश में बात कर करके। तब तो इंग्लिश इतना आता नहीं था, फिर भी जितना हो सके करता था। नाउ बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने वो वीडियो डाली, कुछ 10 या 20 जन ने देखी एंड वो लोग ने कहा कि भाई अपनी वीडियो इम्प्रूव करो। एंड ये जो वीडियो था वो और एक चैनल पे आया था। इस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया क्योंकि लोग, मैंने सोचा कि फालतू में लोग हंस रहे हैं, ऐसे वीडियो डालना नहीं चाहिए। देन मैंने धीरे धीरे वीडियो क्रिएशन स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट करो इस तरह। तो मैंने जब सब्सक्राइब किया था पहली बार UK07 राइडर को, उन्होंने तब 100K हिट किया था। 100K बहुत होता है, अभी तो मैं 100 हिट करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँगा जिस दिन 100 हिट करूँगा, पार्टी वार्टी क्या सोचा है। लेकिन जब 100K एक ऐसा माइलस्टोन है, जब आप वहाँ पहुँचते हो आपको इतना पता चल जाता है कि अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला, ना तो YouTube, nobody। अब जब लोग रोकेंगे नहीं तो कोई टोकेंगे नहीं, तो देखो टोकेगा नहीं तो आप ऊपर जाने का लेवल बढ़ जाता है। वो 100K जो था अभी कुछ ही महीने या एक साल, पता नहीं कितना टाइम, बट अभी रिसेंटली हुआ। एंड अभी UK07 राइडर हैज हिट 250K सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और अभी ये वीडियो आया सो मैंने सोचा कि 200K का वीडियो जैसे ही आया उनके चैनल पे, तो मैंने देखा कि यार 200K का स्पेशल वीडियो आया। लेकिन उसके 20 या 30 मिनट बाद ये पता चला कि उन्होंने 250K सब्सक्राइबर। अब देखो 200K से 250K जाने के लिए 20 घंटे लग सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि लगेगा नहीं, लगेगा टाइम, बट आप पहुंचोगे जरूर। देखो मैंने भी सोचा है कि मैं भी पहुंचूंगा जल्दी, तो देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी। देखा जाए तो जर्नी बहुत तगड़ी थी। एंड उनका जो मतलब वीडियो क्रिएशन स्टाइल एंड व्लॉगिंग वो सब मैं कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी सपोर्ट चाहिए। एंड ये जो स्टार्टिंग है 1K होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होते हैं, ये चीज़ सब जानते हैं, क्योंकि
यूट्यूब जो है वो तो भाई विधायक है सबका, वो आगे नहीं बढ़ने देता, एंड अगर बढ़ने देता ना तो आज मैं बहुत ऊपर होता। सो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। बट बात करते हैं दूसरे इंस्पिरेशन की, जिनका नाम है कैप्टन इंडिया। अब मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड्स किया था उन दोनों को, एंड उनके लिए दो स्टोरीज डाली थी, जिसका रिप्लाई एक जन ने दिया, दूसरे ने नहीं दिया। तो एक जन ने जिसने दिया वो था कैप्टन इंडिया, एंड UK07 राइडर ने रिप्लाई नहीं दिया था कि मैं क्या आप लोग का वीडियोस अपने चैनल पर डाल सकता हूँ। अब भाई देखो, कैप्टन इंडिया ने हाँ बोल दिया, भाई डाल सकता है। तो देखो मैंने डाली उसकी वीडियोस, अब डालूंगा अभी, आप लोग देखो, मजाक कर रहा हूँ। देखो हुआ कुछ ऐसा कि कैप्टन इंडिया को मैंने तब 50K जब था उसका, तो मैंने उसको फॉलो तो करना स्टार्ट किया बट सब्सक्राइब नहीं किया था। ठीक है भाई, ऑनेस्ट हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया था तब। तो मैंने सब्सक्राइब जब किया तो उसने जस्ट कुछ 70K समथिंग, 71-72K थे, मैंने सब्सक्राइब किया। मैंने याद रखा है कि कब किया। अब बात है कि आज का डेट क्या है, आज का डेट है क्या, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा डेट दूँ जब मैं वीडियो डालूंगा। तो आज डेट देख लेते हैं, ओके, तो वीडियो आज ही डालूंगा। आज है 8 जुलाई, एंड आज ही सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह ही डाल दूंगा। ठीक है, कुछ 9-10 बजे आ जाएगी वीडियो। एंड बात है कि मैंने ये सोचा कि कैप्टन इंडिया को भी इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वो नहीं होता तो मेरा चैनल नहीं बनता। अब कैसे नहीं बनता, देखो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा OD07 ब्लॉगर। मैंने स्टार्ट किया जब UK07 राइडर को मैं फॉलो करता था, नॉट कैप्टन सॉरी कैप्टन इंडिया को जब फॉलो नहीं किया था। देखो हुआ कुछ ऐसा, मैंने UK07 राइडर को फॉलो तो करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना उसके नाम से ही चैनल स्टार्ट करते हैं। तो ही वॉज UK07, आई वॉज OD07। सो देखो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपने चैनल का नाम रखा दो OD07 ब्लॉगर, ना तो मैं राइडर, नोबडी, मैं एक ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगिंग ही करूँगा। एंड ब्लॉग शूट करने को मिल नहीं रहा तो ऐसे कंटेंट्स डाल रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो। ओके तो UK07 राइडर का नाम तो मैंने रख लिया। ठीक है, अब बात थी कि ये नाम थोड़ा फीका लग रहा है, कुछ और अच्छा। सो मैंने तब जाके देखा कैप्टन OD07 को, एंड उसको सब्सक्राइब करने के बाद सोचा यार ये तो मेरे एज का है, एंड इवन 10th की रिजल्ट हम दोनों की सेम थी, वो मेरे एज का 10th में ही है, 10th में था मैं जब 10th में था, सो सेम बैच एवरीथिंग। तो देखो अभी अगर वो मेरे जितना एज वाला, मेरे जैसा मतलब स्टूडेंट है, तो वो अगर इतना ऊपर है तो मैं क्यों नहीं। मैंने सोचा कि उसी के टाइप का कॉन्टेंट, एंड मैंने देखा कि ही इज़ ऑल्सो अ ब्लॉगर। तो बात तो अब शुरू हुई कि भाई ब्लॉगर है और व्लॉगिंग नहीं करें। तो देखो मैं भी ब्लॉगर था, तो मैंने सोचा कि नाम बदल देते हैं, अब नाम बदल के रखूं क्या। सो थॉट की कुछ तगड़ा रखना चाहिए, सो उसका नाम है कैप्टन इंडिया, इनका नाम है द UK07 राइटर। दोनों को मैं भूल नहीं सकता जिंदगी भर, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो मैं यूट्यूब पे नहीं आता। इन दोनों को देख कर आया हूँ, नॉट मुंबई करने के लिए, नॉट फ्लाइंग बीस्ट, माना कि उनको भी देखता हूँ, उनका चैनल देखता हूँ, बट मैं भाई हाथ उठा देता हूँ, मैं उन दोनों को फॉलो जिंदगी में नहीं करूँगा। क्योंकि भाई देखो कॉन्टेंट जो है ना, मैं अगर मैं बोलूँ UK07 राइटर एंड कैप्टन इंडिया का कॉन्टेंट उनसे बेटर। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट देखा कि अलग अलग टाइप का कंटेंट डाल सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे चैनल पे भी अलग अलग टाइप के कंटेंट्स डालता हूँ ताकि लोगों को अच्छा लगे, एंड डालना शुरू। अब हुआ कुछ ऐसा कि बताता हूँ, कैप्टन इंडिया को मैंने मैसेज किया था एंड ही रिप्लाइड या श्योर नो इश्यूज एंड दिस दिस दिस। तो भाई कैप्टन इंडिया तबाही है, देखो क्यों बोल रहा हूँ, उसके चैनल के साथ जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई ना, नॉट UK07 नो बडी, इतना कॉन्ट्रोवर्सी मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। जहाँ तक हो सकता है किसी का हुआ हो, बट इनका नहीं हुआ ना। एंड बात कुछ ऐसी है कि कैप्टन इंडिया का कैप्टन उठाया, UK07 का UK07 उठाया, UK को थोड़ा बदल बदल के OD07 कर दिया, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बरमपुर से, एंड दैट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वेयर आई एम लिविंग, क्योंकि मैं कटक में रहता हूँ, 200-300 किलोमीटर होगा, पता नहीं कितना, 180 और समथिंग होगा, 300 किलोमीटर के आसपास, बट है बहुत दूर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा वहाँ का नाम है OD07 डाल सकता हूँ मैं, तो डाल दिया, चल रहा है चैनल, सही चल रहा है। तो एक अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो दो चीज़ दिखाने वाला, पहला तो ये,
कैप्टन स्पाई स्पीकिंग। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू माय रिलेशनशिप विद मुंबई कर्णिखेल। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। आई कैप्टन स्पाई यूज्ड टू लव मुंबई कर्णिखेल विद माय एवरी पर तब हमारी रिलेशनशिप में एक सीरियस प्रॉब्लम आ गई। एवरीथिंग इज चेंज नाउ। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब मैं मुंबई के निखिल को याद नहीं करता हूं। बट नॉट एनी मोर, मेरे को वापस से मौका मिला मुंबई के निखिल से फिर से मिलने के लिए। यू ऑल नो हाउ मच आई लव मुंबई के निखिल, राइट? ये मेरा आखिरी मौका है टू मीट मुंबई के निखिल, एंड आई कांट लेट दिस गो। So no matter what, वो किधर भी हो इवेंट में, भले ही मुझे बैकस्टेज ना जाने दिया जाए, I will find him. मैं जाऊंगा मुंबई कर निखिल के पास, and I'll take out my camera and I'll vlog. Hey, good morning pirates. Welcome back to the another amazing video. So guys, मैं वापस से आ गया हूं। ये जो आप व्लॉग देखने वाले ना, मतलब बहुत ही खतरनाक व्लॉग है, क्योंकि इस पे व्यूज आएंगे वो अलग बात है। But I finally went मुंबई करने के लिए। Yes, I was happy about this. And मुझे पता है मेरे से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, majority will be मुंबई करने के फैंस। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, I don't hate him, और ये जितना भी मैंने मजाक किया वो एक स्किट, प्लीज थोड़ा सरकास्टिकली लिया करो मेरे को। मेरे को कभी सीरियसली मत लिया करो यार, मेरे को मेरी टीचर सीरियस नहीं लेती, तुम क्या सीरियस ले रहे हो मेरे। और दूसरा ये तो हम लोग यहाँ सोशल नेशंस के, मतलब जहाँ पे पूरा बॉक्स ऑफिस वगैरह होने वाला है, उधर तो पहुँच गए। इस पॉइंट पे जो ये बारिश हो रही है ना, बस हम लोगों का वही एक इश्यू है। बाकी बॉक्स ऑफिस आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब हम लोग 11:30 बजे आ गए, हमको लगा कि 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 1 बजे से टिकट्स मिलेंगी, उसके बाद वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन होंगी। आपको क्या लगता है बारिश में होने वाला इवेंट? आज इंद्रदेव हमसे बहुत नाराज है। वही, मतलब आज, मतलब पिछले 2 दिन से नहीं हो रही बारिश, आज मेन इवेंट है, आज स्टेज सब परफॉर्मेंस है और आज बारिश हो गई। सब भीग चुका है, सब पानी पानी। एंड हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, इधर आने नहीं देते हैं, पर हम पता नहीं कैसे हम आ गए, हमको किसी ने कुछ बोला नहीं। ये रहा मतलब सोशल नेशंस, आप लोग अगर देख यहाँ पे सोशल नेशंस का ऐसा एंट्री लिखा हुआ है, और वहाँ पे जाओगे तो वो रहा स्टेज। तो अभी हम लोग हमारी किस्मत को टेस्ट कर रहे, देखते कितना अंदर तक जाके। सभी हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशंस आपके इंस्पिरेशंस कौन थे मैं जानना चाहता हूँ, मेरे इंस्पिरेशन यही दोनों है यूट्यूब पे आने के लिए, आपके इंस्पिरेशंस कौन है कमेंट पे बोलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप नोडिस रेस्टोरेंट, साइनिंग ऑफ।